students, today we will study the second lesson of our environmental science, which is disasters. Disasters का मतलब होता है हिंदी में आपदा. तो आप क्या समझते हैं disasters या फिर आपदा से? आप लोगों ने न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कभी, या फिर टीवी में न्यूज के थ्रू सुना होगा कि मतलब आप टाइम टू टाइम सुनते रहते हैं कि आज यहाँ पर कोई आपदा आ गई, यहाँ पर कुछ डिजास्टर आ गया. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कभी कि जापान में बहुत बड़ी आपदा आ गई, या फिर उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आ गई, या फिर अगर हम अभी की बात करें रिसेंटली बिहार या फिर आसाम में बहुत बड़ी आपदा आ गई. तो ये आपदा का क्या मतलब होता है, डिजास्टर्स का क्या मतलब होता है? डिजास्टर्स आर द मेजर एक्सीडेंट्स और मिसहैपनिंग्स व्हिच कॉज ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. डिजास्टर्स यानी कि आपदाएं ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स या फिर मिसहैपनिंग्स होती हैं जिससे कि जान और माल, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही बहुत नुकसान पहुंचता है. सो डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स व्हिच आर नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स. सो नेचुरल डिजास्टर में हम पढ़ेंगे फ्लड के बारे में यानी कि बाढ़, एपिडेमिक्स महामारी, ड्रॉट यानी कि सूखा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का उसके बारे में, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और फेमाइन यानी कि अकाल. तो नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये अचानक से आ जाती है. तो इन सभी डिजास्टर्स को हम नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर रखते हैं. सेकेंड इज मैन मेड डिजास्टर्स. सो मैनमेड डिजास्टर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंसानों के द्वारा जो डिजास्टर्स होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम मैनमेड डिजास्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटना, और वॉर यानी कि युद्ध. तो ये दोनों ही चीजें इंसानों के कारण होती है, तो ये मैनमेड डिजास्टर्स में आते हैं. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स.